मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम लेटर के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने फॉर्मल लेटर के बारे में सुना। अब देखिए, कुछ फॉर्मल लेटर ऐसे हैं हमारे जो एप्लीकेशन ऐसे हैं जो मोस्ट है हमारे, उनमें से कुछ को मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मॉक परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अमेजिंग दैट लिविंग इन होप, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए in Bright Star Senior Secondary School Kota, your class wants to play a friendly football match with class 10B of your school. Write an application to your principal to allow your class play the match. ये जो मैंने लिखा, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आए। अब पहले तो अपन को क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़कर पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में हमें एड्रेस दिया है या नहीं दिया है, किस पर हमको ये एप्लीकेशन लिखवा रहा है, किस पर फॉर्मल लेटर हमको लिखवा रहा है, कौन लिख रहा है, किसको अपन लिख रहे हैं, सारी चीजों का एक बार अपन को इसमें पता लगाना है। जैसे हमने पढ़ा, इमेजिन दैट यू आर राजेश, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम कौन है, राजेश। लिविंग इन कोटा, अब ये पता चल गया अपन को कि हम कहाँ पर रहते हैं, कोटा में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एड्रेस दे दिया उसने, हमारा जो एड्रेस लिखेंगे अपन। कल अपन ने पढ़ा था कि एड्रेस दो तरह का होता है, अगर आपका एड्रेस देता है तो इधर वाला लिखना है, और नहीं देता है तो एग्जामिनेशन हॉल वाला लिखना है। कोटा आ गया, इसका मतलब ये हमको उसने एड्रेस दे दिया। अब यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपका दे रहा है कि आप 10th कक्षा में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम दे दिया आपकी का। योर क्लास वांट्स टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद क्लास 10B ऑफ योर स्कूल, आपकी जो कक्षा है वो आपके विद्यालय की 10B कक्षा से मित्रपूर्ण फुटबॉल का मैच खेलना चाहती है। इसके लिए आपको राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ योर क्लास टू प्ले द मैच। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको वो इस मैच को खेलने की अनुमति दे। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब समझने के बाद में फिर अपन को इसको लिखना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, फिर इसको अपन आप लिखते हैं। तो जब भी अपन लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें एड्रेस आता है, अपन ने एड्रेस लिख दिया यहां पर। देखिए, एड्रेस कोटा का दिया है, अपन कोई भी लिख सकते हैं। पर जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने आदर्श नगर वार्ड नंबर 25 कोटा। ठीक है, अब आज का दिनांक लिख दिया अपन ने 17
सितंबर 2020, ठीक है। उसके बाद में अपने लेख की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपन एक लाइन यहाँ पर खाली छोड़ दें, फिर आगे लिखेंगे अपन किसको लिख रहे हैं, अपन सर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दी प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम इसमें दिया है ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपन लिख देंगे यहाँ पर ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब कहाँ का स्कूल है ये, अपन लिख दिया कोटा का। मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले अधिकारी का नाम आएगा, अधिकारी के पद का नाम आएगा, फिर कार्यालय का नाम आएगा, फिर सिटी का नाम आएगा, लिख दिया अपन। फिर कौन से सब्जेक्ट पे अपन इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन टू प्ले ए फ्रेंडली मैच, ये लिख दिया अपन ने इसका सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर अपन एक लाइन खाली छोड़ देंगे, ये अपन इसलिए छोड़ रहे ताकि हमारा जो लेख है वो सुंदर नजर आए, अलग अलग चीजें अलग अलग नजर आए। ये अपन ने लिख दिया जिसको अपन भेज जो पत्र लिखने वाला है एप्लीकेशन लिखने वाला है उसका एड्रेस ये लिख दिया, अब जिसको अपन लिख रहे हैं उसका एड्रेस ये लिख दिया, अलग अलग हो गया बिल्कुल। हम यहाँ पर लिख देंगे अपन सर, फिर यहाँ नीचे से शुरू कर देंगे अपन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू दियर सब्जेक्ट है आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, आई रीड इन क्लास 10 I am intelligent student। ये तो लाइन बढ़ाने के लिए पढ़ लिख सकते हैं over class once to play a friendly football match with class 10B of our school on Sunday में खेलेंगे on Sunday, देखिए आगे on Sunday है 4 o'clock in the evening on over school ground। ये अपन ने पूरी डिटेल लिख दी अपन ने, सर हमारी जो कक्षा है वो अपने विद्यालय की 10B कक्षा से एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल का मैच खेलना चाहती है, रविवार को खेलेंगे हम और 4 बजे खेलेंगे और अपना जो विद्यालय का ग्राउंड है मैदान है उसमें अपन इसको खेलेंगे सर, ठीक है। देखिए आप यहाँ से अपन करेंगे, आप चाहे निकल लेंगे, सो प्लीज लुक इनटू ईमेल एंड अलाउ अस टू प्ले
शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर योर हिज काइंड एक्ट। ठीक है, सो प्लीज लुक इन टू द मैटर, इस मामले पर आप ध्यान दें एंड अलाउ अस टू प्ले द मैच, और हमें इस मैच को खेलने की अनुमति प्रदान करें। वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर योर दिस काइंड एक्ट, इस कार्य के लिए हम आपके बहुत अधिक आभारी रहेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा थैंक्स, पैराग्राफ चेंज करके पर लिख देंगे थैंक्स, फिर योर्स ऑब्लिगेट, फिर अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर राक्षस, क्लास टेन टी, इस तरह से अपन इसको लिखना है। देख लिया सर, पहले तो अपन को अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन को पढ़कर पता लगाना है कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपको किस पर लिखवा रहा है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उसमें एड्रेस दिया है या नहीं दिया है, एड्रेस दिया है तो कहाँ का एड्रेस दिया है, क्या एड्रेस दिया है। अगर एड्रेस दे रखा है तो अपन ने अभी जैसे लिखा वैसे लिखना है, और अगर एड्रेस नहीं दिया है तो फिर अपन को लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अगला देखिए आप कौन से अधिकारी को लिख रहे हैं अपन, सर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं, चेयरमैन को लिख रहे हैं, कौन से अधिकारी को लिख रहे हैं। जो भी अधिकारी के ऊपर लिख रहे हैं उस अधिकारी के पद का नाम आ जाएगा, फिर उस अधिकारी के कार्यालय का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये जो होता है अधिकारी और उसके कार्यालय का जो नाम होता है वो अधिकांश हमें क्वेश्चन में ही देता है, बहुत बार तो हमें क्वेश्चन में देता है, लेकिन मान लो नहीं दे रहे हैं तो अपन को खुद को पता लगाना है। सर प्रिंसिपल है तो कहाँ पर होता है, स्कूल में होता है। कलेक्टर होता है तो कहाँ होता है, कलेक्ट्रेट में होता है। पोस्ट मास्टर होता है तो कहाँ होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। इस तरह से अपन को खुद को पता लगा। फिर कौन से विषय पर अपन लिख रहे हैं उस विषय को लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया अपन एन एप्लीकेशन टू प्ले फ्रेंडली मैच। ठीक है, फिर सर लिख दिया अपन ने और शुरुआत कर दी विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द अबव सब्जेक्ट, ऊपर दिए गए विषय पर हम विनम्र प्रार्थना करते हैं दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। आई एम इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं एक बुद्धिमान विद्यार्थी हूँ। ये लाइन अपने थोड़ा और पढ़ाने के लिए लिखी, अगर इसको नहीं भी लिखे तो भी सही है हमारा। और क्लास वांट्स टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच इन क्लास 10th ऑफ आवर स्कूल, हमारी जो कक्षा है वो हमारे विद्यालय की 10th कक्षा से मैत्रीपूर्ण फुटबॉल का मैच खेलना चाहती है। कब खेलेगी, ऑन संडे रविवार को खेलेगी एट 4:00 4 बजे खेलेगी, इंदिरा बिल्डिंग शाम के समय, ऑन ओवर स्कूल ग्राउंड हमारे विद्यालय का जो मैदान है उस पर खेलेगी। सो प्लीज लुक इन टू द मैटर, इस मामले पर आप ध्यान दें, अलाउ अस टू प्ले द मैच, हम इस मैच को खेलने की अनुमति प्रदान करेंगे। इस कार्य के लिए हम आपके बहुत अधिक आभारी रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। योर सॉफ्टवेयर अपना नाम लिख दिया, जो नाम हमको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है वो नाम लिखना है। अगर यहाँ पर अपन ने अपना नाम लिख दिया तो वो गलत हो जाए, क्वेश्चन में जो नाम दिया उस नाम को यहाँ पर लिखना है। क्लास लिख दिया अपने 10th, इस तरह से। तो इस तरह से अपन को फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन लिखना है। अब प्रिंसिपल को लिखना हम सीख गए, कल हम सीखेंगे किसी अन्य अधिकारी को लिखना। आज हमने सीखा है प्रिंसिपल के किस तरह से लिखा जाता है, अब मान लो किसी अन्य अधिकारी को लिखनी है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये पॉइंट कल सीखेंगे। ठीक है, इनको आप साथ ही साथ याद करते जाए ताकि आपके ऊपर भार नहीं गिरे ना। अपन रोजाना लिख रहे हैं एप्लीकेशन, यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, उनको आप डेली याद करें। ठीक है, से चर्चा पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।